सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए। आज पहली बार लगा कि देश को एक अद्भुत नेतृत्व मिला है। अपने 40 साल के प्रोफेशनल करियर में, बल्कि 42 साल के, आमतौर पर हम कोशिश करते हैं कि क्रिटिकल रहें जो भी सत्ता में आए, लेकिन आज मैं रोक नहीं पा रहा हूँ ये कहने के लिए ये नेतृत्व अलग है। वयम अमृतस्य पुत्रम। आज जब असफलता हाथ लगी चंद्रयान 2 मिशन पे, तो मोदी जी ने न केवल उन साइंटिस्ट के लिए ये बात कही, बल्कि देश के 136 करोड़ लोगों के लिए भी कही, और हर उस इंडिविजुअल के लिए कहा जो कि जीवन में असफलताओं से निराश होता है। एक नया तर्क मोदी जी ने दिया, मैं चूंकि तर्कशास्त्र का छात्र हूं, एक नया तर्क था कि साइंस में, विज्ञान में असफलता कुछ होती ही नहीं है। विज्ञान सफलता असफलता से नहीं चलता है। विज्ञान सफल हो गया तो भी आगे बढ़ेगा, असफल हो गया तो भी आगे बढ़ेगा, और यही हम जब जंगल से निकले, बैलगाड़ी युग में आए, फिर साइकिल, मोटरसाइकिल, हवाई जहाज, सुपरसोनिक, और आज हम मैक 20 के स्पीड से उड़ रहे हैं, ये वही विज्ञान था। तो एक अद्भुत लॉजिक था कि विज्ञान में असफलता नहीं होती है, और वैलिड है। विज्ञान में अगर असफलता हो गई तो वहाँ पे विज्ञान क्या रुक जाएगा? नहीं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेगा, कुछ और सफलता देखेगा, कुछ और असफलता देखेगा। और यही उन वैज्ञानिकों के लिए, और सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए नहीं, ये मेरे ख्याल से हम सब के लिए कहा है। ये लॉजिक अपने आप में अद्भुत है कि जब हम जीवन में आ जाते हैं तो ये सफलता असफलता वो सिक्के हैं। अगर आप असफल हो गए तो फिर आगे देखिए, सफल हो गए तो भी वहाँ नहीं रुक जाएंगे, जीवन में ठहराव नहीं आता। और ये अपने आप में एक अद्भुत तर्क था। अब हम इस तर्क को, जो आर्थिक संकट है, जरा उसके हिसाब से देखें। आर्थिक संकट जबरदस्त है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ग्लोबल लेवल पे है, हमारे एक्सपोर्ट्स बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, लिहाजा जो हमारा जो सरप्लस, एक्सपोर्टेबल सरप्लस है, वो बिक नहीं पा रहा है। और ये बात सही है कि कंट्री में उत्पादन बढ़ा है। उत्पादन बढ़ाए का मतलब कि कृषि का उत्पादन बढ़ा है, और ये उत्पादन अगर खर्च होता तो, अगर एक्सपोर्ट होता तो आज शायद किसानों की स्थिति भी बेहतर हुई। पर एक इकोनॉमी का फेज होता है। आज इस संकट से जूझने के लिए भी शायद मोदी जी का ये मंत्र सरकारों को भी लेना होगा, देशवासियों को भी लेना होगा। ये संकट ये है क्या? हमने हाल में देखा कि जो इकोनॉमिक्स का ई भी नहीं जानता पत्रकार, वो भी आर्थिक संकट पे बोल रहा है, वो भी बता रहा है कि कैसे 1929 में क्या हुआ था, ग्रेट डिप्रेशन, और उससे वो सादृश्यता ला रहा है। जबकि मेरा दावा है कि इनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो कि इकोनॉमिक्स का ई भी जानता हो। अगर उसे पूछ दीजिए कि जीडीपी कैलकुलेशन का मेथड क्या है, अगर उसे पूछ दीजिए कि टोटल वॉल्यूम जीडीपी का है कितना भारत का, तो शायद उसको ये भी ना पता हो। टर्शियरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना है ये भी ना, लेकिन वो भी सरकार को बुरा भला कहने में लगा हुआ है और बहुत बड़ा आर्थिक संकट बता रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस आर्थिक संकट के निकलने के दो रास्ते अभी प्रधानमंत्री ने दिए हैं, और मुझे लगता है कि अगर कोई प्रधानमंत्री इतनी गहराई से इस वाले इशू पर सोच रहा है तो हमें सिर्फ क्रिटिसाइज करने के लिए क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। मैं करता हूँ, मैं मोदी के तमाम पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज करता हूँ। फसल बीमा योजना बहुत अच्छी थी लेकिन फेल हो गई, मैं ये लगातार कहता हूँ। लेकिन दो चीज़ें आप गौर से देखें। इथेनॉल, आप जानते हैं कि हमारा सुगर केन प्रोडक्शन
ये हम ओवर प्रोडक्शन में चले गए हैं, शुगर प्रोडक्शन भी हमारा ओवर प्रोडक्शन में है, 32-33 मिलियन टन हम शुगर प्रोड्यूस कर रहे हैं। कहाँ से ये खर्च हमारा 24-25 मिलियन टन भी नहीं है, बहुत कोशिश करके हम 26 मिलियन टन तक लाते हैं, और जो बैकलॉग है हमारा वो लगातार बढ़ता जा रहा है, शुगर का जो स्टोरेज है वो बढ़ता जा रहा है। किसानों को हम दे नहीं पा रहे, उसकी वजह क्या है? एक तो शुगर एक्सपोर्ट हमारा नहीं हो रहा है, दूसरा ये है कि ये जो शुगर हमने रखी है इस समय, हमारा बहुत ज़्यादा तादाद में शुगर हो गई है, अब इसको हम निकाले कैसे? तो अभी 2 हफ्ते पहले की बात है कि सरकार इस पर सोचना शुरू किया, और ये शुरू किया कि 10% तक इथेनॉल पेट्रोल में मिलाया जाएगा। आप जानते हैं कि मोलेसिस 2-3 ग्रेड्स होती हैं, मोलेसिस से इथेनॉल बना सकते हैं, और यहाँ तक कि जो सरप्लस शुगर हमारे पड़ा हुआ है गोदामों में कई मिलियन टन, हम उससे भी इथेनॉल बना सकते हैं। और जैसे ही ये इजाज़त मिलेगा, सरकार ने ये इजाज़त दे दी है, आपको ताजुब होगा किसान प्रोड्यूस ना करे तो क्या करे, कम करे प्रोडक्शन तो मुश्किल है, उसकी आमदनी घट जाएगी, ज़्यादा करे तो आमदनी इसलिए कम हो जाएगी कि रेट्स नीचे आ जाएंगे। आपने गेहूं का देखा, आज हम करीब 99 मिलियन टन गेहूं पैदा कर रहे हैं, 110 मिलियन टन चावल पैदा कर रहे हैं, हमारी ज़रूरत इतनी नहीं है, लेकिन क्या किसान वहाँ रुक जाएगा? किसान तो प्रोड्यूस करेगा ही, हाँ उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही, उसका लाभ बढ़ रहा है कि नहीं, प्रोडक्शन तो बढ़ जा रहा है लेकिन लागत कास्ट ज़्यादा आने की वजह से उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही है, उत्पादकता नहीं बढ़ रही है। मोदी जी ने इसको भी एड्रेस करने की एक उपाय दिया है, और वो उपाय क्या है? जैसे आपने शुगर में देखा कि शुगर में अगर ये परमिशन मिल जाए तो फैक्ट्रियां क्या करेंगी कि अब शुगर केन से वो शुगर बनाने की जगह इथेनॉल प्रोडक्शन शुरू करेंगी। और आप जानते हैं देश में जितना पेट्रोल खर्च होता है, 10% अगर उसमें इथेनॉल मिक्स किया, जो कि विदेश के तमाम मुल्कों में हो रहा है, तो उससे ये होगा कि आप शुगर जो आप परचेस करते हैं, जो आप घर में खाते हैं, इसकी लागत वैसे तो 32 रुपये आती है, मतलब 32 रुपये आती है आपको वो जो भी भाव मिलता हो, लेकिन हकीकत ये है कि शुगर प्रोडक्शन में करीब 1000 के आसपास का, अगर इस शुगर की जगह इथेनॉल बनाए तो 1000 रुपये का शुगर मिल को फ़ायदा होगा। अब ज़रा आप गौर कीजिएगा, पर टन शुगर केन में अगर 1000 का फ़ायदा हो रहा है, करीब 25% उसका लाभ बढ़ जाएगा। तो अगर ओवर प्रोडक्शन है तो आप शुगर रोक के इथेनॉल पे चले जाएंगे, कुछ फैक्ट्रियां इथेनॉल बनाएंगी, और अगर 1000 का फ़ायदा, उसको 25% का फ़ायदा मिल रहा है, तो वो किसानों को देगा भी, और किसानों को देगा ही नहीं, उसकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी। लिहाजा ये एक नया स्कीम आई है, और ये नई स्कीम जो है ये मुझे लगता है कि शुगर केन प्रोडक्शन के जो क्राइसिस है उसको शायद काफ़ी हद तक दूर कर लेगी। पहला तो ये है। अब दूसरा इसका स्कीम देखिए, एक चीज़ जो मेरे ख्याल से सरकार सोच रही है, और सभी जो अर्थशास्त्री मैंने हाल में के दौर में उनका विचार सुना, देखा, पढ़ा, तो सभी ये कह रहे हैं कि पहला काम कीजिए कि मैसिव मदद और फ्लो ऑफ फंड एग्रीकल्चर सेक्टर में कीजिए। एग्रीकल्चर सेक्टर के हाथ में पैसा आएगा तो वो साबुन खरीदेगा, तेल खरीदेगा, अनाज ज़्यादा खाएगा, अंडा मछली ये सब खरीदेगा, और चूंकि हमारे यहाँ 62% एग्रीकल्चरिस्ट है, लगभग 69% टोटल रूरल इंडिया का की इकोनॉमी है, मतलब रूरल इंडिया में लोग रहते हैं, ये लोग जब खरीदना शुरू करेंगे, आमदनी बढ़ेगी तो ये खरीदना शुरू करेंगे, तो आपकी इंडस्ट्रीज पैदा करना शुरू करेंगी, जॉब्स मिलेंगे। लिहाजा इसका रूट जो जाता है इस इकोनॉमिक क्राइसिस को बदलने का, इस संकट से उबरने का, वो है एग्रीकल्चर। आप किसी तरह से, और ये बात आप ध्यान में रखें कि भारत में एग्रीकल्चर अलाभकर होता जा रहा है अनसाइंटिफिक खेती की वजह से, क्योंकि आप
जहाँ नाइट्रोजन नहीं यूज़ करना है, यूरिया नहीं यूज़ करना है, वहाँ भी आप यूरिया यूज़ करते हैं, क्योंकि आपको लगता है फसल लहलहा रही है, आपको ये नहीं मालूम कि उससे खेत के पीएच वैल्यू चेंज हो जा रही है। तो एक तो यह है कि ये मोदी जी या कोई भी सरकार रातों रात इन आदतों को नहीं सुधार सकती, इस समझ को नहीं डेवलप कर सकती, इसके लिए वक्त लगता है। लेकिन तत्काल आप क्या कर सकते, और इसकी वजह से यह है कि प्रोडक्टिविटी भारत की आप ताजुब करेंगे, एक हेक्टेयर में हम जो औसत है देश में 32 क्विंटल सिर्फ गेहूं उगा रहे हैं, जबकि अमेरिका, जापान, अमेरिका और चीन, इवन पंजाब 65-70 क्विंटल गेहूं पैदा करते हैं पर हेक्टेयर। क्या वजह है कि एवरेज 32 का है? 32 का मतलब कुछ राज्य ऐसे हैं जो इससे भी कम करते होंगे। तो इसका मतलब है कि अनसाइंटिफिक यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, सीड्स का प्रॉपर ट्रीटमेंट ना होना, और फिर बाकी इंद्र भगवान का कभी नाराज होना, ये सारी चीजें। और जानते हैं आप भारत में कि 48% जो खेती होती है वो सिंचाई के बिना है। हमारे यहाँ सिंचाई 50% लगभग आधी खेती है जो बिना सिंचाई के, उनके पास सिंचाई के साधन नहीं है, वो इंद्र भगवान के भरोसे रहते हैं, ये हमारी दिक्कत है। तो इस समय आप मैसिव फ्लो ऑफ फंड एग्रीकल्चर सेक्टर में करें, उसका स्वरूप चाहे जो भी हो, यही इस क्राइसिस को उबार सकता है। जो आपने स्लो डाउन देखा है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम हो गया है, इसलिए कम हुआ है। और रेगनर नर्स का मुझे याद आता है, जो महान इकोनॉमिस्ट हुए हैं, उन्होंने कहा एक चेन रिएक्शन है एग्रीकल्चर में, लो इन्वेस्टमेंट, लो परचेजिंग, लो प्रोडक्शन, और ये करके वो साइकिल बना के आप देखेंगे, देयरफॉर लो इनकम, अंत में वो जाके वहीं पे मिल जाता है। इसको तोड़ना जरूरी है, और तोड़ना एक ही ये चक्र तोड़ना तभी हो सकता है जब आप एग्रीकल्चर सेक्टर में मैसिव फंड डालें। एग्रीकल्चर बूस्ट करेगा, बूस्ट से ज़्यादा ये होगा कि आपका स्नोबॉलिंग इफेक्ट होगा, और किसान सामान खरीदना शुरू करेगा। आपका 62% आदमी अगर आम जिंदगी के सामान खरीदेगा, तो आप जानते हैं कि इंडस्ट्रीज किस तरह से प्रोडक्शन शुरू करेंगी, और जैसे ही वो करेंगी, तो चूंकि ये इंडस्ट्री जो साबुन बनाती है, तेल बनाती है, ये लेबर इंटेंसिव होती है। एक पेट्रोलियम इंडस्ट्री, अगर आपने उसमें 100 करोड़ खर्च किया है और उसमें अगर 100 एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, तो 10 करोड़ में आप स्मॉल इंडस्ट्री, जो MSME जिसे कहते हैं, स्मॉल मीडियम एंड, तो MSME अगर आप देखेंगे तो वो 10 करोड़ में 1000 एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। तो अंतर ये है कि ये जो किसान खरीदेगा, इससे MSME सेक्टर बेहतर होगा। और अगर ये माइक्रो मीडियम स्मॉल अगर ये बेहतर होंगे, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट फिर डिमांड क्रिएट होगा, डिमांड क्रिएट होगा तो इंडस्ट्री प्रोडक्शन शुरू करेंगी। तो इस समय जो बेस्ट, और शायद ये मोदी जी लगातार सोच रहे हैं, मोदी जी की सरकार सोच रही है, क्योंकि मुझे जो अभी खबर मिली है, इसके हिसाब से एग्रीकल्चर सेक्टर में मैसिव फंडिंग का वो किया गया है, व्यवस्था की गई है आने वाले दिनों में ये फंडिंग, क्योंकि बाकी चीज़ें आप रोक सकते हैं। अगर एग्रीकल्चरिस्ट का ये रोक दिया आपने फ्लो ऑफ फंड, क्योंकि उसका लॉस लगातार हो रहा है, शुगर ओवर प्रोडक्शन में है, अनाज ओवर प्रोडक्शन में है, उसके रखने की कैपेसिटी नहीं है, तो आपको पहले तो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट है, और डेवलपमेंट दो तरह के होते हैं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। यूरिया को न डालना, खेत में सॉइल टेस्ट करा के डालना, ये मुझे लगता है कि ये मोदी जी जब से आए हैं उसके पहले से भी चल रहा है कि भाई यूरिया ना डालिए। लेकिन आप ताजुब करेंगे कि किसान ने वो आदत नहीं छोड़ी। अभी कल ही शाम को मैं बात कर रहा था एक किसान से, तो उसने बताया कि नहीं, यूरिया से जो खेत पे असर पड़ता है वो बिल्कुल अलग है, बहुत अच्छा हो जाता है। उसको किसी ने कभी नहीं बताया कि यूरिया का पीएच वैल्यू चेंज हो जाएगा, जिसे हम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कहते हैं, और जब वो चेंज हो जाएगा तो आपकी उर्वरा शक्ति लगातार घटती जाएगी। और ये बात इकोनॉमिक सर्वे में बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखी है कि अब जब किसान 10 रुपये की यूरिया डाल रहा है, तो एक्चुअली उसमें 7 रुपये 6 रुपये की बढ़ोतरी हो रही है उसके लाभ में, मतलब कि ये उल्टा चल रहा है। आप अगर यूरिया नहीं डालेंगे तो आपकी खेती बेहतर होगी, क्योंकि आपके ऑलरेडी उस सॉइल में नाइट्रोजन की ज़रूरत नहीं है।
तो सबसे बड़ी बात है, एक तो लॉन्ग टर्म होगा ये, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हम रोक नहीं सकते, आर्थिक संकट बड़ा है, इसलिए आपको किसानों को लगातार एक फंड देते रहिए, मदद जो भी फॉर्म हो उसका देने के लिए, सिंचाई के नाम पे दीजिए, बीज खरीदने के नाम पे दीजिए, लेकिन इस समय वो फंड जरूरी है ताकि उसकी परचेजिंग कैपेसिटी बढ़े। आप चाहें तो एक बार मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी रेज कर सकते हैं फिर से एक बार, क्योंकि अभी भी उसको A2FL के रेट में नहीं मिल रहा है। अगर A2FL के रेट में मिले तो इस समय भी 2000 से ऊपर गेहूं का की कीमत होनी चाहिए, 2150 होनी चाहिए। तो एक बार दें उसको, कम से कम एक टाइम के लिए ये इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है, तभी जो स्नोबॉलिंग इफेक्ट होगा वो इस इकोनॉमिक क्राइसिस से रोक सकते हैं। और ये मेरा अपना ज्ञान नहीं है, ये जो तमाम अर्थशास्त्रियों से मैंने हाल में बात किया है, जो उनके लेखों से ज्ञान हासिल हुआ है, ये मैं उसके आधार पर आपको बता रहा हूँ। मोदी जी ने आज जो बूस्ट दिया है इस संकट के बाद, एक बड़ा फेलियर था। फर्ज कीजिए अगर ये सक्सेसफुल होता तो दुनिया के कुछ ही लोगों में, कुछ ही देशों में हम होते, बहुत चंद देशों में, 3-4 देशों में होते। पर क्या असफल हो गया तो हम अब उससे नीचे चले गए? नहीं, अगला अटेम्प्ट सही हो जाएगा, और अगला अटेम्प्ट सही होगा तो फिर हम वहाँ आ जाएंगे। तो आज जो उन्होंने संकट की घड़ी में ये जो मैसेज दिया है, मुझे लगता है यही आर्थिक संकट को बचाने में। और एक बात और, आज के मोदी के इस संदेश से जो आर्थिक संकट में एक बहुत ही लोग, हर आदमी जो मिल रहा था कह रहा था अरे लगता है कि अब तो आर्थिक संकट भयंकर आ रहा है, सब महंगाई बढ़ेगी, बड़ा जीवन। हकीकत ये है कि इससे उसको और किसी देश के नेशनल कॉन्शियंस को अगर कोई इस तरह का बूस्ट मिल जाए तो आर्थिक संकट चुटकियों में हल हो जाता है। मेरे ख्याल से वो चेतना मेरे ख्याल से देश में आज के इस संदेश से आई है। आज मैं मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस संकट की घड़ी में बेहद अच्छा संदेश दिया, जो इस आर्थिक संकट से निकालने में भी काम आएगा और साइंटिस्ट को एक ज़बरदस्त बूस्ट मिलेगा, और वो मेरे ख्याल से बहुत ही जल्दी दूनी तीव्रता से काम करना शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए।